So hey guys, guess who is there with me? And see, Mr. Navraj is here. And Navraj, आपको कैसा लग रहा है? First of all, पिछली बार ब्लॉग में आए थे तो हम लोग ने आई थिंक मोबाइल मुंबई ट्रैवल किए थे, तो इस बार डिफरेंट है. इतना तो है कि हम दोनों बहुत एंजॉय करेंगे वो प्लेस में. ओके, क्योंकि वो जगह ही इतना अच्छा है, शानदार है. देखते हैं अभी कैसा दिन जाता है, बारिश नहीं आना था. सब पहुँचा भाई. नवराज धीरे धीरे हैंडसम लगते आज. सो गाइस अभी कहाँ हो? गेटवे से अभी यहाँ अब यहाँ तो पकड़ी ला. होल्ड ऑन, द वन एंड ओनली सुपरस्टार फ्यूचर. खाली पड़ी तो यहाँ का भीड़ बहुत ही ज़्यादा है. संडे एक्चुअली मेरा एक चीज़ नवराज का टाइम ही है 7 बजे निकलने का. संडे में तो पता नहीं 7 बजे नहीं होगा तो मैं उठ भी जा पाता. वेटिंग, अरे अभी स्टील वी आर वेटिंग. कुछ भी नहीं, अगर पानी बड़ा है बोल के खुला भी नहीं है. क्या बोलो अभी, वेटिंग गाइस, क्योंकि अभी यहाँ का समुंदर बढ़ गया है. ठीक है, क्या शिप में चलते नहीं अभी. हाँ, शिप के लिए वेट कर रहे हैं पर अभी तक खुला नहीं है गेट. तो वी आर स्टिल वेटिंग इन गेट वे ऑफ इंडिया. ठीक है, देखो कहता है. ओहो, लुक. सो गाइस, नवराज आए सनग्लास लेने के लिए, क्योंकि मैंने सनग्लास नहीं लिया तो नवराज ने मुझे दे दिया. अब इसके लिए वो देख रहा है सनग्लास. सो गाइस, अभी शिप खुलने में 2 मिनट और बाकी. 9 बजे शिप खुलेगा, क्योंकि हमने पूछ लिया अभी यहाँ पर कितना बजे खुलता है सिर्फ, तो 9 बजे खुलता है. ठीक है, तो गाइस अभी बने रहिए, अभी हम लोग यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे. तो बने रहिए वीडियो. फाइनली एलिफेंटा के लिए जा रहे हैं हम लोग. इतने वक्त वेट करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं. खुल गया, ठीक है, टिकट मिल गए हम लोग को. कहाँ नवरत? एलिफेंटा. एलिफेंटा टूर करने वाले हैं पूरा हम लोग. सी, तो कम ऑन गाइस, लेट्स मज़ा लीजिए हम लोग के साथ, हम भी मज़ा लेते हैं. एंड ब्लॉग देखते रहिए, बहुत ही बढ़िया आने वाला है. यहाँ पर सी का व्यू दिखाएंगे आपको. ठीक है, और कैमरा मैन नवराज के साथ, लेट्स गो. सो हियर वी स्टार्टेड. ये रहता है ब्लॉग पर, रहता है जर्नी जर्नी जर्नी. सो है गाइज, फाइनली वी रीच एलिफेंटा. एलिफेंटा एंड अभी यहाँ से देख सकते हो ऐसा नज़ारा है. एंड यहाँ पर
एक टॉय ट्रेन भी है, ठीक है, तो इस पे भी जा सकते हैं, पर हम लोग इस पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम लोग को चलते हुए जाना है। सो ऑल्सो वी कैन कैप्चर द व्यू लाइक यू नो परफेक्टली। तो इतना अच्छा नज़ारा दिख रहा है, देखिए गाइस भाई। सो गाइस कैमरा उल्टा पकड़ लिया था मैंने, ठीक है, क्योंकि अभी आप सबको पता चल रहा होगा क्योंकि ब्लॉगिंग छोड़े हुए मैंने 3 महीने हो गए, तो अभी मैं ब्लॉगिंग पता नहीं मतलब इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा हूँ कैमरे के साथ, मतलब थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। सो बने रहिए वीडियो में एंड आज तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। भाई यू ना भाई ये क्या बोल दिया तू साढ़े। तो गाइस सो लेट्स गो एंजॉय द वाइब। सो गाइस नींबू पानी का मजा लेते हुए अभी स्टे हाइड्रेट। एक चीज़ तो है आईफोन में ब्लॉगिंग करना मज़ा ही कुछ और है गाइस, यू नो क्वालिटी वाइज बहुत ही बढ़िया है। एंड गाइस मेरा फ़ोन से आज मैं ब्लॉग नहीं कर रहा हूँ, पूरा फ़ोन नवराज का फ़ोन से ब्लॉग कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा फ़ोन में एक्चुअली क्या हो रहा है, मेरा फ़ोन अपने आप बंद हो रहा है, ठीक है, एंड उतना लोड नहीं ले पा रहा है वीडियो का, एंड प्लस उसका वजह से भी मेरा फ़ोन से नहीं कर रहा हूँ एंड नवराज का फ़ोन से आज मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। एंड नवराज का फ़ोन से इतना बढ़िया फुटेज एंड गाइस यू नो वाइब से इतना बढ़िया आ रहा है, तो आज के लिए नवराज ने मुझे मेरा उसका फ़ोन दे दिया ब्लॉग करने के लिए, ठीक है, जस्ट फॉर वन वीडियो। तो वन वीडियो यानी कि यू नो कि हम लोग मिलते नहीं उतना, या इसका भी काम रहता और वही भी अभी एक्चुअली वही है, हम लोग रहते हैं मुंबई में पर गाइस हम लोग मिलते नहीं है, तो इसका भी लगा रहता है, मेरा भी लगा रहता है, तो हम लोग ने ये प्लान किया इससे पहले 2 महीने पहले हम लोग मिले थे, ठीक है, एंड उसके बाद आज मिल रहे हैं क्योंकि टाइम ही नहीं तो होता है। फोन पे बात होते रहता है, फोन पे बात होता है, कॉन्टेक्ट लगाए और सिक्किम में कोई और से भी होता है किसी और के साथ। अरे भाई वो भाई कहाँ पूछ रहा है तू, कौन पूछ रहा है, ये पर्सनल है, छोड़ दे ऐसा बात मत करियो। तो गाइस बढ़िया आप मज़ा एकदम हाथ में फोन ब्लॉग अलग ही लेवल का मजा आ रहा है, ठीक है। एंड ये जगह जो है ना मुंबई सिटी से मतलब दूर है, पीसफुल जगह है, ना कोई ट्रैफिक है, ना कोई इधर क्या बोलते हैं पोल्यूशन है, ना कोई गाड़ी का आवाज ये सब, यू नो, तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम्स वी आर हैविंग दिस टाइप ऑफ मोमेंट। या इट फील्स लाइक हमारा गांव के वातावरण, मैं वही बोलना चाह रहा था, यू नो, तो इट्स लाइक फील लाइक होम, यू नो, क्योंकि घर में तो फुल नेचर एकदम गाज साज पूरा दिखेगा, पूरा ट्रीज एंड एवरीथिंग एवरग्रीन, तो इतनी अच्छी हवा आ रही है, ठीक है, तो मज़ा ही कुछ और है। आप इंजॉय कीजिए ब्लॉग एंड काफ़ी चीज़ें दिखाएंगे आप आज आपको, एंड यह ब्लॉग लंबा होने वाला है क्योंकि मैं पहले बोल दे रहा हूँ आप सबको, ठीक है, काफ़ी दिनों के बाद भी आ रहा है, तो कीप वॉचिंग गाइस। 3 घंटे का ब्लॉग है 3 घंटे आई थिंक ये ब्लॉग देख के कोई खुश ना हो पर मेरा माँ जरूर खुश होंगी क्योंकि उसका माँ ने मुझे जब से मुंबई आया हूँ तब से ब्लॉग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो माँ का एक रिक्वेस्ट था कि ब्लॉग क्यों नहीं बना रहा है, ब्लॉग स्टार्ट कर। ब्लॉग बनाने से ये भी पता चलता है कि हाँ मेरा बेटा अच्छा है। हाँ तो वही है, तो स्पेशली डेडिकेटेड फॉर दिस ब्लॉग इज डेडिकेटेड फॉर माय मॉम, ठीक है, तो माँ देख रही होगी, ठीक है। तो गाइज अभी हाथ दर्द कर रहा है, ठीक है, तो अभी थोड़ा कैमरा बंद करते हैं, मिलते हूँ अभी थोड़ी देर के बाद। जा यूके I think more than 100 step we are climbing. You can see Puran is so exhausted. So guys अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर अंदर एंट्री कर चुके, ठीक है, बस यहाँ पर क्या है कि वीडियो बनाने के लिए अलाउ नहीं है, तो मैं छुप कर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो पकड़ लेंगे तो 5,000 rupees फाइन है, तो ये आपकी वजह से मैं आपके लिए बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है, तो मैं वीडियो बन कर रहा हूँ एंड
जितना हो सके उतना मैं आपको बताऊंगा क्या है। सो गाइज अभी फिलहाल रेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी क्लाइंबिंग कर लिया ना हम लोगों ने। कितना क्लाइंबिंग किया? बहुत, 200 से ऊपर सीढ़ी चढ़े, 200 से ऊपर सीढ़ी चढ़े हम लोगों ने, बहुत थक गए। ठीक है यार, यहाँ के एक पता चल गया कि अच्छा लगा पिछले दिनों। हम लोग ने डिसाइड नहीं हुआ था हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग का प्लानिंग हुआ था अलीबाग का, उसके बाद प्लानिंग चेंज हो गया कि हम लोग एटलीस्ट हम लोग बाइकिंग कर सकते थे, लेकिन इधर फिजिकली हम लोग यू नो एक्सरसाइज के तौर पे लिए हैं, तो वही है फिटनेस पे कैंसिल करके हम लोग एलिफेंटा आए। ठीक है, ऑप्शन ही नहीं था ना, क्योंकि हम लोग सीएसटी में आए और तो जाना ही था, सुबह सुबह ट्रैवल किया था हम लोग ने। ठीक है, तो वही है, आके इतना ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग क्यों आए, पर अच्छा है नेचर वाइज पीस। सो डिटेली आपको जानना है व्हाट एलिफेंटा, कितना फेयर चाहिए, चार्जेस, सब हम लोग लास्ट ब्लॉग में बोलेंगे। या वही है, तो आप बने रहिए वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉग विद नवराज विल बी इन अलीबाग ब्रो, राइड वाला रहेगा ना भाई ना, ये झूठ बोल रहा है। ठीक है, इसके बाद में ना आई हो, हरियाणा से आया हूँ भाई। मैं कौन, मैं सिक्किम कौन है? सिक्किम गया नहीं हूँ, मल बाजार पता नहीं है कहाँ है। ठीक है ना, मुझे कुछ ना पता, तो वो लड़की वड़की का सीन नहीं है मेरा। तो बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट ब्लॉग जो रहेगा अलीबाग में, ठीक है, तो आप सब बने रहिए, अभी वीडियो थोड़ी देर रहेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। ओके, कीप वॉचिंग गाइस। सो फाइनली वी आर आउट ऑफ एलिफेंटा केव वेयर वी वेंट, इट वाज गुड बट यू नो we did not take a guide for that, so we just read in a can say that bulletin board, उधर पढ़ के आए रहे। अभी तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा क्या बोलूँ उसके बारे में, तो शॉर्ट में बोलेंगे हम लोग क्या है इसका बारे में। ठीक है, आप यहाँ पर आ सकते हो विद फैमिली गाइस। पैसा वसूल हो नहीं होता। तेरा एग्जाम कब है? तो आज तो ये बोल रहा है एग्जाम 23rd को है, पढ़ा हुआ भूल गया मैं, रिलैक्स। तो यही आप सबको भी यही मिलेगा। ठीक है, जो चीज़ मुझे मिला वो आप सबको भी मिलेगा, तो वही है। बढ़िया, मज़ा आ गया, कुछ लाइन बोल देता हूँ हरियाणा में। ठीक है, बढ़िया आ गया, मज़ा आ गया, मैं जाके लोकल हो गया। हाल हो रहा, काफ़ी लोग मुंबई जाके लोकल हो गया, ऐसी बात ना है, ये घूमने लगता ऐसी बात भी ना है। ये एक चीज़ है कि टाइम ना मिलता हम लोग को। आया कौन है ये? इसका बात ना सुनियो, ठीक है। देखो ये ब्लॉग में उल्टा सीधा बोल रहा है मुंबई। ठीक है ना, बने रहो भाई, चलो मिलते हैं।